वेलकम बैक फ्रेंड्स। हम अपना वर्किंग कैपिटल असेसमेंट का जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, जिसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया था फाइनेंशियल एंड प्रॉपर्टी असेसमेंट के अंदर, तो हमने प्रॉपर्टी असेसमेंट को तो ऑलरेडी डिटेल में डिस्कस करा ही हुआ है, इसके काफी लेक्चर्स मैंने ऑलरेडी बना दिए थे। जो हमने प्रेजेंट टॉपिक जो स्टार्ट किया हुआ है, वो स्टार्ट किया हुआ है कि वर्किंग कैपिटल में डिफरेंट डिफरेंट तरह के कौन से प्रोडक्ट्स जो हैं, कौन से कितने तरह के हम लोन्स वर्किंग कैपिटल में दे सकते हैं, कितने तरह के लोन प्रोडक्ट्स हमारे पास अवेलेबल हैं। तो उसके अंदर हमने कैश क्रेडिट के बारे में भी डिटेल में डिस्कस कर लिया था, कॉन्स्टेंट ओवरड्राफ्ट लिमिट या ओवरड्राफ्ट लिमिट बोल देते हैं उसके बारे में हमने डिटेल में बात कर चुके हैं, ड्रॉप लाइन ओवरड्राफ्ट लिमिट के बारे में डिस्कशन कर चुके हैं और वर्किंग कैपिटल डिमांड लोन के बारे में डिस्कशन कर चुके हैं हम लोग। तो अभी जो हमारा जो फर्दर डिस्कशन था, हमारा फर्दर डिस्कशन था कि जो इंटरनेशनल ट्रेड के साथ रिलेटेड वर्किंग कैपिटल के लोन प्रोडक्ट्स हैं उनके बारे में हमने जानना था। तो जो उनको फॉरेक्स प्रोडक्ट्स करके मैंने लिखा है, तो उस कौन से प्रोडक्ट्स होते हैं वो? लेटर ऑफ क्रेडिट होता है, बायर्स क्रेडिट होता है, पैकिंग क्रेडिट होता है, फॉरेन करेंसी टर्म लोन होता है, फॉरेन करेंसी डिमांड लोन होता है, इंटरेस्ट रेट स्वैप्स होता है, फॉरवर्ड कवर होता है। तो इस तरह के डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो है फॉरेन ट्रेड में बैंक कस्टमर्स को अपने फाइनेंस करके देता है। तो इन सब चीजों को समझने के लिए जो हम ये चीजें समझना चाहते हैं, तो मैं इस चीज का बेस कैसे बना रहा था, तो मैं बेस बना रहा था कि सबसे पहले आपको पता लगे कि इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट्स है क्या, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट्स की इंफॉर्मेशन आप लोगों को मिले। तो ये मेरा स्टार्टिंग मोटिव था आप लोगों के लिए। तो उसी उसी को बेस पकड़ के मैं इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की सीरीज स्टार्ट करी है आपके साथ। तो जैसे ही ये सीरीज के बारे में मैं आपको फुल फ्लेज नॉलेज दे दूंगा, तो आफ्टर दैट आप अपना जो है इन प्रोडक्ट्स को बड़ी इजीली और बड़ी आसानी से समझ पाएंगे। तो जो फॉरेक्स प्रोडक्ट्स के साथ रिलेटेड हमने लास्ट लेक्चर जो डिस्कस किया था, लास्ट लेक्चर के अंदर हमने जैसे बिल ऑफ लेडिंग को समझा था, शिपिंग बिल को समझा था, हमने डिफरेंट डिफरेंट तरह के जो एक्सपोर्ट बेनिफिट्स गवर्नमेंट देती है अपने एक्सपोर्टर्स को उनके बारे में समझा था। तो उनमें से शिपिंग बिल और बिल ऑफ लेडिंग आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको लर्न होना चाहिए कि वो क्या चीज होते हैं। शिपिंग बिल एक जस्ट एप्लीकेशन है कि हम एक्सपोर्ट करने से पहले एप्लीकेशन लगाते हैं कस्टम डिपार्टमेंट के पास, और जो बिल ऑफ लेडिंग है वो एक शिपिंग कंपनी की तरफ से रिसीट है कि आपका माल हमने अपने पास लोड कर लिया है, वो एक रिसीट है, वो एक टाइटल डॉक्यूमेंट होता है। जब वो शिप में लोड हो जाता है माल, तो कल को शिप से जब वापस उतारना हो तो बिल ऑफ लेडिंग की कॉपी के बिना वो वापस इंपोर्टर उसको नहीं उतार सकता। तो अब सवाल है कि आज हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं। हमने जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की सीरीज है इसी को ही आगे बढ़ा रहे हैं और इसी के बारे में डिटेल डिस्कशन कर रहे हैं। आज हम डिस्कस करेंगे कि जो नई गवर्नमेंट ने एक्सपोर्टर्स के बेनिफिट के लिए स्कीम लॉन्च की है, RODTEP स्कीम, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। लेटर ऑफ अंडरटेकिंग स्कीम के बारे में डिस्कस करेंगे। एक डिस्कस करेंगे हम कि लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर क्या होता है, और एक डिस्कस करेंगे हम कि एक्सपोर्ट जनरल मैनिफेस्ट EGM ये क्या चीज होती है। इन चारों चीजों के बारे में हम आज डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले डिस्कस करते हैं RODTEP स्कीम। RODTEP स्कीम क्या है? RODTEP स्कीम है रिमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट्स। वो कह रहे हैं कि जो गुड्स आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, तो हम कुछ ड्यूटीज और टैक्सेस जो हैं एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट्स के ऊपर आपको माफ करना चाहते हैं। ये कौन से ड्यूटीज एंड टैक्सेस की बात कर रहे हैं? ये कर रहे हैं इंपोर्ट ड्यूटीज की बात, ठीक है जी। तो सबसे पहले कि ये स्कीम जो है, ये मैंने जो लास्ट लेक्चर में आपको MEIS स्कीम बनाई थी, मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट वाली जो स्कीम बताई थी, और एक SEIS स्कीम आपको मैंने लास्ट लेक्चर में बताई थी, ये उस स्कीम की रिप्लेसमेंट के रूप में इनिशिएट हुई है। ये स्कीम जो MEIS स्कीम है, ये विद इफेक्ट फ्रॉम 31/12/2020 ये बंद कर दी गई है स्कीम। ये स्कीम 31/12/2020 को ही बंद हो गई थी, बट मैंने इसके अंदर आपको कॉन्सेप्ट सारा समझा दिया था लास्ट लेक्चर के अंदर। तो एक अब जनवरी 2021 से अब RODTEP स्कीम ही फॉलो हो रही है। अब ये RODTEP स्कीम क्यों लगाई? क्योंकि अमेरिका ने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंडिया के अगेंस्ट केस किया था कि इंडिया की जो एक्सपोर्ट इंसेंटिव स्कीम है वो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से रूल्स एंड रेगुलेशंस के अगेंस्ट है। तो वो इंडिया केस हार गया WTO में, तो उसकी वजह से उनको MEIS स्कीम को बंद करना पड़ा और उसकी जगह जो RODTEP स्कीम है इसको लॉन्च करना पड़ा। तो अभी इसके अंदर 2-3 दिन पहले ही कस्टम डिपार्टमेंट में नोटिफिकेशन इशू की है कि जो इसके अंदर बेनिफिट्स मिलने हैं, जैसे मैंने MEIS स्कीम में आपको बताया था कि 0-5% तक डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स के हिसाब से बेनिफिट्स अवेलेबल रहते हैं सबको। तो जो बेनिफिट्स हैं वो नेक्स्ट 10-12 दिन में कस्टम डिपार्टमेंट अनाउंस करेगा
कि हर एक प्रोडक्ट के ऊपर आपको कितना कितना बेनिफिट मिलेगा। तो इसको जो है, जो मैंने जैसे एमआईएस स्कीम आपको समझाई थी, एमआईएस स्कीम में मैंने बताया था कि जैसे आपको ये पेपर मिलता है, कि पेपर मिलता है उसके ऊपर आपको लिखा रहता है कि ये इतना बेनिफिट है, 1 लाख रुपए का आपको बेनिफिट मिला है। तो जब आप इम्पोर्ट करते हैं, इम्पोर्ट करते टाइम तो आप 1 लाख रुपए का जो बेनिफिट है वो इम्पोर्ट ड्यूटी में क्लेम कर लेंगे, इम्पोर्ट ड्यूटी में आप क्लेम कर लेंगे। और ये स्क्रिप्ट जो है, जो फिजिकल स्क्रिप्ट जो है, वो सेल हो सकती है 1% टू अनदर, और आसानी से सेल हो सकती है। तो अभी कॉन्सेप्ट सेम है आरओडीटी भी स्कीम में भी। अभी इसमें जो फिजिकल फिजिकल जो स्क्रिप्ट थी, फिजिकल स्क्रिप्ट थी, इसकी जगह क्या किया इन्होंने, डिजिटल स्क्रिप्ट इशू करनी शुरू कर दी। डिजिटल स्क्रिप्ट मैंने जैसे आपको अमेजोन गिफ्ट कार्ड है आपके पास, अमेजोन गिफ्ट कार्ड है फॉर एग्जाम्पल 1,000 रुपये का, तो आप अमेजोन की साइट पे जा सकते हैं, तो 1,000 रुपये तक का प्रोडक्ट आप बिना कैश दिए खरीद सकते हैं। तो इसी तरह से एक डिजिटल कार्ड या डिजिटल स्क्रिप्ट आपको मिल जाएगी, वो आपके जब आइस गेट की जो कस्टम डिपार्टमेंट की वेबसाइट है आइस गेट की, वहां पे आपका आईईसी नंबर के साथ जो रजिस्ट्रेशन हुआ है, हर एक आईईसी नंबर के पास एक वॉलेट की तरह ये डिजिटल स्क्रिप्ट अलॉट हो जाया करेगी। ये डिजिटल स्क्रिप्ट सेम फिजिकल कॉपी का डिजिटल फॉर्म है, ये अलॉट हो जाएगी, और आप अपने वॉलेट से मतलब काइंड ऑफ अपने लॉगिन से किसी दूसरे पार्टी को अगर बेचना चाहते हैं उसको ये आसानी से ट्रांसफर कर सकते हैं। तो इसको ये आसानी से ट्रांसफर आप कर सकते हैं। तो डीजीएफटी की साइट पे अप्लाई करना पड़ता है आपको इस बेनिफिट को लेने के लिए, वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस डिटेल में वहां पे लिखे हुए हैं। तो एक चीज इंपॉर्टेंट आपको ये समझनी है कि लास्ट में, जैसे मैंने आपको पिछली बार भी समझाया था पिछले लेक्चर में भी, कि जब हम शिपिंग बिल फाइल करते हैं तो एट दैट टाइम हमको ये डिक्लेयर करना होता है कि जो हम ये गुड्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं ये आरओ डीटीपी डीटीईपी स्कीम के अंडर फॉल कर रही है, और हम इस स्कीम का बेनिफिट अवेल करना चाहते हैं, ये आपको शिपिंग बिल के अंदर मेंशन करना है। तो जब भी आप शिपिंग बिल फाइल करेंगे तो आप अपने सीएचए को जरूर, इसके सीएचए ही आपका नॉर्मली फाइल करेगा, अगर आप खुद से फाइल नहीं कर रहे तो आप अपने सीएचए को इंटीमेट जरूर कीजिए कि भाई हमारा जो प्रोडक्ट है आरओ डीटीईपी स्कीम के अंडर है, तो आप उस ऑप्शन को टिक लगाना मत भूलिएगा। तो यही आरओ डीटीईपी स्कीम, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया। तो अब ये एमईए स्कीम बंद हो चुकी है, तो उसकी जगह आरओ डीटीईपी स्कीम एप्लीकेबल हो चुकी है। तो अब हम नेक्स्ट समझते हैं कि एलयूटी स्कीम क्या है, एलयूटी क्या चीज है। ये भी एक तरह का बेनिफिट है एक्सपोर्टर के लिए, एलयूटी स्कीम। तो होता क्या है कि फॉर एग्जाम्पल आप एक्सपोर्टर हो, ठीक है जी, आपने गुड्स को एक्सपोर्ट करना है। तो गुड्स को जब एक्सपोर्ट करते हैं तो गवर्नमेंट एक्सपोर्ट को बढ़ावा देना चाहती है, तो एक्सपोर्ट ड्यूटी तो होती नहीं है, एक्सपोर्ट ड्यूटी तो लगती नहीं है, कोई टैक्स तो लगता नहीं है एक्सपोर्ट करने पे। बट इन गुड्स को या तो अपने इन गुड्स को बनाने के लिए या तो रॉ मटेरियल खरीदा होगा, या आपने एज इट इज गुड्स परचेज करके उनको एक्सपोर्ट किया होगा। तो जो आपने परचेज करी है, परचेज करते टाइम आपको जब परचेज का बिल लिया होगा तो उसके ऊपर जीएसटी लगा होगा, 10, 8, 12%, 18% जो भी रेट होगा उसके अकॉर्डिंग आपको जीएसटी लगा होगा। तो जो जीएसटी आपने पे कर दिया, आपको आउटपुट पे तो कुछ भी नहीं मिला, आउटपुट पे तो कुछ भी नहीं मिला। तो ये जीएसटी जो आपने सरकार को एक्सेस पे कर दिया, सरकार कहती है कि हम इसका आपको बेनिफिट दे देंगे, आपको ये जीएसटी पे करने की जरूरत नहीं है, सरकार आपको ये कह रही है। तो सरकार कहती है कि आपके पास दो ऑप्शंस है। पहली ऑप्शन ये है कि आप जीएसटी को जमा करवा दीजिए, जीएसटी पे कर दीजिए, और पे करने के बाद अपना एक्सपोर्ट कीजिए, एक्सपोर्ट का हमें प्रूफ दीजिए कि आपने एक्सपोर्ट कर दिया है, तो हम आपको ये जीएसटी का रिफंड दे देंगे, ये जीएसटी का आपको रिफंड दे देंगे, आपको क्रेडिट कर देंगे जीएसटी। फर्स्ट ऑप्शन तो ये है। अब जो सेकंड ऑप्शन गवर्नमेंट ने दी है, सेकंड ऑप्शन गवर्नमेंट ने क्या दी है, वो कह रहे हैं कि आप क्या कीजिए, आप अगर आप जीएसटी पे नहीं करना चाहते, आप क्या कीजिए कि जीएसटी पोर्टल पे जाइए, जीएसटी पोर्टल पे जाइए, वहां पे ऑनलाइन फिल फॉर्म वगैरह फिल कीजिए, फॉर्मेलिटीज फिल कीजिए, हम आपको एलयूटी देंगे, लेटर ऑफ अंडरटेकिंग नंबर देंगे कि भाई आप, एलयूटी क्या होता है, लेटर ऑफ अंडरटेकिंग है, आपकी तरफ से ये वायदा है कि भाई जो ये मैं गुड्स बाय कर रहा हूं, ये फॉर आप एक्सपोर्टर फॉर एग्जांपल मिस्टर बी है, ये परचेज जिससे आपने किया है वो मिस्टर ए है, आप मिस्टर ए को, मिस्टर ए से माल खरीदते टाइम मिस्टर ए को एलयूटी नंबर दोगे अपना, और उसको बताओगे कि भाई जो मैं तेरे से माल परचेज कर रहा हूं उसको मैं यूज करूंगा एक्सपोर्ट करने के लिए, मेरे पास ये अंडरटेकिंग भी है गवर्नमेंट की, तो देयर फॉर आप मेरे को ये माल के ऊपर जीएसटी ना लगाइए, आप मिस्टर ए को बोलोगे आप मेरे को इस माल के ऊपर जीएसटी ना लगाइए क्योंकि मैं इस माल को एक्सपोर्ट करने वाला हूं डायरेक्टली, और जैसे भी डायरेक्टली मतलब जैसे भी एक्सपोर्ट करने वाला हूं इस चीज को। तो मिस्टर ए को आप एलयूटी नंबर देंगे, एलयूटी नंबर जैसे जनरेट होकर उसको देंगे तो वो आपके ऊपर जीएसटी नहीं लगाएगा। तो
आपको इस बात का ध्यान रखना है कि क्योंकि गवर्नमेंट ने आपको ये बेनिफिट दे दिया, आपने जीएसटी पे नहीं किया इनपुट पे परचेज करते टाइम, गवर्नमेंट को जीएसटी नहीं मिला, तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे एक डिफाइंड टाइमलाइन होती है कि आपको इतनी टाइमलाइन के अंदर गवर्नमेंट को प्रूफ देना है कि आपने गुड्स को एक्सपोर्ट कर दिया है, आपने गुड्स को एक्सपोर्ट कर दिया है तो ये गवर्नमेंट को आपको प्रूफ देना है। तो अभी इसमें एक कैच है, इसमें एक बात कैच क्या है कि जो मिस्टर ए है, मिस्टर ए आपको गुड्स सेल कर रहा है, मिस्टर ए आपको गुड्स सेल कर रहा है, तो सेल्स के ऊपर आपने बोला कि वो सेल कर रहा है, परचेज कर रहे हैं, ठीक है, मतलब जहां पे तभी परचेज लिखा है ना, तो वो आपको जीएसटी नहीं लगाएगा, जीएसटी आपको यहाँ पे नहीं लगाएगा सेल करते टाइम, क्योंकि आपने एलयूटी दे दिया। तो जिस सिचुएशन पे आप खड़े थे कि आपने एक्सपोर्ट ड्यूटी आपको तो मिल नहीं रही बट आपको इनपुट पे करना पड़ रहा है, तो सेम सिचुएशन पे आपका सेलर भी तो आ गया ना, मिस्टर ए भी तो सेम सिचुएशन पे आ गया ना, वो भी तो यही बोलेगा कि भाई मेरे को आउटपुट पे तो मिला नहीं क्योंकि मेरे पास एलयूटी आ गया था, आउटपुट पे तो मिला नहीं, तो फिर जो मैंने इनपुट पे खुद, इसने भी तो कहीं से परचेज किया होगा, इसने भी तो कहीं से परचेज किया ही होगा ना, मान लो इसने मिस्टर सी से परचेज किया तो उसने मिस्टर सी को टैक्स पे किया था, मिस्टर सी को टैक्स पे किया था, तो कल को मिस्टर सी को टैक्स पे किया इसने इनपुट के ऊपर, आउटपुट पे ऊपर आपने एलयूटी दे दिया, उसको टैक्स मिला नहीं, तो इसको इसका रिफंड लेना पड़ेगा ना इस टैक्स का, तो कल को जब इसको ये इस चीज का रिफंड लेना है तो इसको भी तो गवर्नमेंट को प्रूफ सबमिट करना है, इसको गवर्नमेंट को प्रूफ सबमिट करना पड़ेगा कि भाई जो मैंने आउटपुट पे टैक्स क्यों नहीं लगाया, क्योंकि ये गुड्स जो हैं ये एक्सपोर्ट होने वाली थी, एज अ प्रूफ आपको उसको बिल ऑफ लेडिंग वगैरह और शिपिंग बिल की कॉपी देनी पड़ती है, आपको मिस्टर ए को शिपिंग बिल भी अपने जो आपका जो परचेज जिससे आपने बाय किया है उसको आपको शिपिंग बिल की कॉपी देनी पड़ेगी। तो जब आप शिपिंग बिल की कॉपी देंगे तो आप एक बात का ध्यान रखिए, शिपिंग बिल के ऊपर जिस बंदे को आपने एक्सपोर्ट किया है, जो फॉरेन कंट्री में जिस बंदे को आपने माल बेचा है, उसकी डिटेल्स भी रहती हैं उसके अंदर, शिपिंग बिल के अंदर, तो उस बायर की डिटेल आपके मिस्टर ए को मिल जाएंगी, मिस्टर ए को पता लग जाएगा कि आप किसको माल बेचते हैं फॉरेन कंट्री में, तो ये एक तरह से इंफॉर्मेशन लीकेज है आपके बिजनेस के लिए, तो कल को वो मिस्टर ए आपको बीच में से निकाल के उस बंदे को डायरेक्टली अप्रोच कर सकता है और आपका बिजनेस कम कर सकता है, तो इस चीज का रिस्क रहता है एलयूटी स्कीम के अंदर, तो इस बात का ध्यान रखिए। देखिए बिल्कुल प्रैक्टिकल चीज बताई है मैंने आपको, तो ये एलयूटी बेनिफिट आपके लिए, तो आपको आई होप आपको इस चीज का समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट हमने क्या डिस्कस करना है, नेक्स्ट हमने डिस्कस करना है कि लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर और एक्सपोर्ट जनरल मैनिफेस्ट क्या होता है, जिसको हम LEO लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर, EGM एक्सपोर्ट जनरल मैनिफेस्ट बोलते हैं, कि ये क्या चीज होती है, तो ध्यान से समझिएगा इस चीज के बारे में। देखिए आपकी फैक्ट्री है, आपकी फैक्ट्री है, आपकी फैक्ट्री में आपके पास जैसे ऑर्डर आ गया कि भाई ये एक्सपोर्ट करना है, एक्सपोर्टर के साथ आपका कॉन्ट्रैक्ट हो गया, आपको पास ऑर्डर आ गया, तो ऑर्डर आने के बाद आपने गुड्स को प्रिपेयर कर लिया, गुड्स को मैन्युफैक्चर कर लिया, आपने मैन्युफैक्चरिंग कर ली गुड्स की, मैन्युफैक्चरिंग के बाद उसकी पैकिंग वगैरह कर ली है, अब गुड्स जो है आपके रेडी हो गए हैं, रेडी होने के बाद देखिए ध्यान से समझिए, साथ साथ मैं आपको प्रोसीजर भी बता रहा हूँ कि कैसे हो रहा था। उसके बाद आपने अपने CHA को फोन किया, CHA को फोन किया कि भाई मेरे को माल एक्सपोर्ट करना है, मेरा माल तैयार, तो CHA बोलेगा कि अच्छा आपका माल तैयार है, सब कुछ रेडी हो चुका है, आपका माल पैक भी हो चुका है, मैन्युफैक्चर भी हो चुका है, आप मेरे को अपना इनवॉइस एंड पैकिंग लिस्ट दीजिए, आप मेरे को अपना इनवॉइस एंड पैकिंग लिस्ट दीजिए। देखिए पैकिंग लिस्ट कुछ भी नहीं है, कि आपके प्रोडक्ट्स की डिटेल है कि क्या क्या पैक कर रहे हैं आप, इसके बारे में फर्दर मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में बताऊंगा कि क्या क्या होता है पैकिंग लिस्ट के अंदर हमने प्रेजेंट करना। तो CHA जो है आपका पैकिंग लिस्ट आपसे मांगेगा, इन दो डॉक्यूमेंट्स के बेस पे वो आपका शिपिंग बिल फाइल करेगा, वो आपका शिपिंग बिल फाइल करेगा, शिपिंग बिल फाइल कर देगा। देखिए प्रोसेस देखिए, शिपिंग बिल फाइल कर देगा, तब आपका नंबर लगा देगा कस्टम के अंदर, तो शिपिंग बिल फाइल करने के बाद वो आपको बोलेगा कि हाँ जी अपने गुड्स को ट्रांसपोर्ट करके अपने कस्टम कस्टम पोर्ट पे या ICD, जैसे मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि अगर आपके पास इनलैंड कंटेनर जो डिपो है वहां पे ले जाइए गुड्स को, या अगर आप एक्चुअल पोर्ट पे लेके जाना चाहते हैं तो एक्चुअल पोर्ट पे लेके जाइए, जहां पे भी, तो जो कस्टम पोर्ट एरिया है, जो ICD भी हो सकता है या एक्चुअल पोर्ट भी हो सकता है, तो आपको गुड्स वहां पे लेके जाने के लिए बोलेगा, तो आप अपनी फैक्ट्री से गुड्स निकाल लेंगे और वहां पे ले जाएंगे उस एरिया में, कस्टम के एरिया में या ICD में, वहां पे गुड्स को लेके जाएंगे। वहां पे क्या होगा कि आप गुड्स की क्या करेंगे, अनलोडिंग करेंगे, आप गुड्स की अनलोडिंग करेंगे। अनलोडिंग करने के बाद जो कस्टम का जो इंस्पेक्टर है वो आपकी गुड्स को इंस्पेक्ट करने आएगा, इंस्पेक्ट करने आएगा कि हाँ भाई जो गुड्स हैं, जो इनवॉइस है, पैकिंग लिस्ट है या शिपिंग बिल है, उसके अंदर जो डिटेल्स मेंशन करी हैं उसके अकॉर्डिंग गुड्स हैं कि नहीं है, कुछ ऐसे कुछ गलत तो नहीं किया हुआ,
इस तरह से वो सारी कुछ सारी चीजों की इंस्पेक्शन करेगा। इंस्पेक्शन करने के बाद अपनी रिपोर्ट बनाएगा। आजकल जो जो रिपोर्ट से ये बनाएगा, ये ऑनलाइन सबमिट हो जाती है अपनी रिपोर्ट, ये अपनी इंस्पेक्शन की रिपोर्ट ऑनलाइन सबमिट कर देगा। और फिर जो उसके हायर अथॉरिटीज हैं वो इस रिपोर्ट को चेक करेंगे, और चेक करने के बाद जो आपकी गुड्स हैं उनकी वैल्यू का अंदाजा लगाएंगे। जो अप्रेजिंग ऑफिसर है वो आपकी गुड्स की वैल्यू का अंदाजा लगाएगा, ताकि ये ना हो कि आपने गुड्स को अंडर वैल्यूड किया हो या ओवर वैल्यूड किया हो। अंडर वैल्यूड या ओवर वैल्यूड आपने गुड्स को ना किया हो, इस वजह से उन गुड्स की वैल्यू का वो असेसमेंट करेगा। तो रिस्क क्या रहता है, अगर आपने अपनी गुड्स आप अपनी गुड्स को अंडर वैल्यूड क्यों करते हैं? फॉर एग्जाम्पल, आपने अमेरिका में गुड्स को एक्सपोर्ट करना है और अमेरिका में आपके गुड्स के ऊपर 20% की इंपोर्ट ड्यूटी पड़ रही है। अगर आपने गुड्स की वैल्यू को कम लगा के भेजा, मान लो 100 रुपए की गुड्स को 50 रुपए का लगा के भेजा, तो आपके सामने वाले जो इंपोर्टर है अमेरिका का, उसको उसके ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी कम पड़ेगी। तो हो सकता है ना कि आपके और इंपोर्टर के बीच में ये सेटिंग हो जाए कि भाई ठीक है जी, मैं आपकी गुड्स की इनवॉइस वैल्यू कम बना के भेज दूंगा, आपकी इंपोर्ट ड्यूटी वहां पे सेव हो जाएगी। तो गुड्स अंडर वैल्यूड ना हो, गुड्स ओवर वैल्यूड ना हो। ओवर वैल्यूड इन द सेंस कि आपने गुड्स की 100 रुपए की गुड्स की वैल्यू 200 रुपए लगा दी, ये ऐसा आप क्यों करेंगे? एक्सपोर्ट बेनिफिट देने के लिए। 100 रुपए के ऊपर अगर आपको 5% का एक्सपोर्ट बेनिफिट मिलना है, तो वहीं अगर आपको 200 रुपए के ऊपर 5% का एक्सपोर्ट बेनिफिट मिलेगा तो ज्यादा ही मिलेगा ना। तो ऐसे भी चांसेस होते हैं कि आप ओवर वैल्यूड कर देते हैं गुड्स को। तो उस तरह से वो गुड्स की वैल्यू को अप्रेज करेगा। अप्रेज करने के बाद जब वो सेटिस्फाई हो जाएगा कि सब कुछ ठीक है, तो इसके बारे में ऑनलाइन अपडेशन कर देगा। ऑनलाइन अपडेशन के बाद आपके पास ऑर्डर निकल आएगा कि हाँ जी, अब ये गुड्स अब एक्सपोर्ट की जा सकती हैं, जिसको हम बोलते हैं लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर। ये शिपिंग बिल के साथ इन एडिशन टू होता है, ये लेटर एक्सपोर्ट ऑर्डर आपको मिल जाएगा। जब लेटर एक्सपोर्ट ऑर्डर मिलेगा, तभी शिपिंग कंपनी आपकी गुड्स को बाहर लेके जा सकती है। अगर ये ऑर्डर नहीं है तो शिपिंग कंपनी आपकी गुड्स को बाहर लेके नहीं जाएगी। ये मैंडेटरी है ये ऑर्डर लेना, लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर। समझ गए ना आपके बात को, कि लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर नहीं है तो शिपिंग कंपनी आपकी गुड्स को लेके नहीं जा सकती। जब ये ऑर्डर आपको मिल गया, तो जैसे ये टर्मिनल आ गया इंडियन पोर्ट पे, जहाँ पे क्रेन्स वगैरह लगी होती हैं बड़ी बड़ी, वो यहाँ से माल उठाती हैं, यहाँ पे डालती हैं, उठाती हैं डालती हैं, ऐसे करके टर्मिनल पे माल आपका पहुंच गया, तो यहाँ पे शिप पे लोड हो गया। जब आपका माल शिप पे लोड हो गया, तो आपको क्या इशू हो गया? बिल ऑफ लेडिंग क्या चीज होती है? जो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको समझाया था कि ये एक रिसीट है कि आपकी गुड्स शिप में लोड हो चुकी हैं, ये डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल है। ठीक है, इसके बारे में लास्ट लेक्चर में मैं डिटेल में डिस्कस कर चुका हूं। तो जो बिल ऑफ लेडिंग आपका इशू हो गया, उसके बाद जो शिप है वो गुड्स को लेकर यहां से निकल जाएगी। जब वो इंडिया को क्रॉस कर लेगी, इंडिया का जो सी है उसको क्रॉस कर लेगी, जब आउटसाइड इंडिया वो सेल कर रही होगी, तो वो क्या करेगी, जो ये कस्टम डिपार्टमेंट है, ये देखिए, ये तो मैंने फिजिकल बिल्डिंग वगैरह बना दी आपको समझाने के लिए, ये सब कुछ ऑनलाइन प्रोसेस है। तो कस्टम डिपार्टमेंट के पास एक रिपोर्ट फाइल करेगी, उस रिपोर्ट को हम क्या बोलते हैं? एक्सपोर्ट जनरल मैनिफेस्ट बोलते हैं उस रिपोर्ट को। उसके अंदर वो बताएगी कि मैं कौन कौन सा सामान, कार्गो मतलब सामान, आपकी कंट्री से बाहर लेके जा रही हूँ। वो कस्टम डिपार्टमेंट को क्या डिक्लेयर करेगी कि मैं इंडिया से बाहर निकल चुकी हूँ, इंडिया को क्रॉस कर चुकी हूँ, और ये सामान मैं अपने साथ लेके जा रही हूँ, वो कस्टम को डिक्लेयर करेगी। तो जो ये एक्सपोर्ट जनरल मैनिफेस्ट है, तो ये कस्टम, क्योंकि इंडिया वो क्रॉस कर चुकी है, तो एक्सपोर्ट जनरल मैनिफेस्ट कस्टम डिपार्टमेंट के लिए एक प्रूफ हो जाता है। कस्टम डिपार्टमेंट के लिए अल्टीमेट प्रूफ है कि जो आपकी गुड्स हैं वो एक्सपोर्ट हो चुकी हैं। ये कस्टम डिपार्टमेंट के लिए एक अल्टीमेट प्रूफ है कि जो आपकी गुड्स हैं वो एक्सपोर्ट हो चुकी हैं। ठीक है, तो जो ईजीएम होता है, इसको ईजीएम शॉर्ट फॉर्म में बोल देते हैं, इसका यूनिक नंबर एंड डेट होती है। ये ईजीएम की नंबर डेट आपको काफी जगह पे जरूरत पड़ सकती है कोट करने के लिए। आपको इसको कोट करना पड़ता है कि भाई अपना ईजीएम नंबर बताओ। ईजीएम नंबर आपने बता दिया तो दैट मीन्स आपने बता दिया कि मेरी गुड्स एक्सपोर्ट हो चुकी है, आपको आपकी शिपिंग कंपनी की कंफर्मेशन है। तो ये जो ईजीएम नंबर है या जो भी ये चीज आती है, तो यूनिक ईजीएम नंबर, जब कस्टम डिपार्टमेंट इसको चेक करता है, तो जब वो सेटिस्फाई हो जाता है, तो वो एक शिपिंग बिल और इशू करता है, जिसको बोलते हैं एक्सपोर्ट प्रमोशन कॉपी ऑफ शिपिंग बिल। एक तो शिपिंग बिल ये हो गया, एक जब लेटर एक्सपोर्ट ऑर्डर आता है तो एक उस तरह का शिपिंग बिल अपडेट हो गया कि हाँ भाई, उस शिपिंग बिल पे अपडेट हो गया कि ये एक्सपोर्ट हो गया। फिर जब बाहर चली जाती है गुड्स, तो एक और शिपिंग बिल आता है जिसको बोलते हैं एक्सपोर्ट प्रमोशन कॉपी ऑफ शिपिंग बिल, जो एक प्रूफ हो गया कि भाई आपकी गुड्स एक्सपोर्ट हो चुकी है। हमेशा इस बात का ध्यान रखिए कि जो आपको एक्सपोर्ट बेनिफिट्स मैंने आपको पिछले लेक्चर में या इस लेक्चर में समझाए हैं, जो मैंने एक्सपोर्ट बेनिफिट्स आपको पिछले और इस लेक्चर में समझाए हैं,
वो एक्सपोर्ट बेनिफिट्स अवेल करने के लिए ये ईजीएम का होना मस्ट है, ईजीएम का होना मस्ट है। ईजीएम आपको एक्सपोर्ट बेनिफिट्स कस्टम तब तक नहीं देगा जब तक आपके पास एक्सपोर्ट जनरल मैनिफेस्ट नहीं है, तो इस बात का ध्यान रखिए। तो एक्सपोर्ट जनरल मैनिफेस्ट कोई अपने आप में बहुत कोई टेक्निकल डॉक्यूमेंट नहीं है, तो जस्ट एक ये रिपोर्ट फाइलिंग हो रही है। तो देखिए इस तरह से ये सारा देखिए प्रोसेस रन हो रहा है, इस तरह से ये सारा प्रोसेस एक्सपोर्ट का रन हो रहा है अपनी कंट्री के अंदर। तो मैं अभी आपको क्या करने वाला हूँ, एक आपको शिपिंग बिल जो मैंने तीन बताए हैं, एक यहाँ पे हो गया, एक यहाँ पे हो गया, एक यहाँ पे हो गया, इन तीनों का एक सैंपल दिखाता हूँ। देखिए ये पुराना फॉर्मेट है, अभी आजकल की डेट में सब कुछ ऑनलाइन है और फॉर्मेट भी थोड़ा चेंज हो गया होगा, बट आपके समझने के लिए ये इनफ है, आपके समझने के लिए इनफ है। ये देखिए ये शिपिंग बिल है, शिपिंग बिल फॉर एक्सपोर्ट ऑफ ड्यूटीएबल गुड्स। तो ये देखिए आपको इसमें अंदर सारी डिटेल्स आ रही हैं। ये वो शिपिंग बिल है जो आपने फाइल किया था आपके सीएचए ने, ये शिपिंग बिल आ गया नॉर्मल, ठीक है। तो इसके अंदर ये तरह तरह की चीजें फॉर्म्स लग जाते हैं, ये डॉक्यूमेंट्स जो लग रहे हैं इनके बारे में घबराइएगा मत, इनके बारे में मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूंगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हमने अटैच करने होते हैं। ये देखिए ये आ गया डुप्लीकेट शिपिंग बिल का दूसरा कॉपी, इसके अंदर सेम है, बाकी सारा जो ऊपर हमने डिटेल पढ़ी है सेम है। इसके अंदर देखिए एक पेज एडिशन ऐड कर दिया कि लेट एक्सपोर्ट, यहाँ पे कस्टम अथॉरिटीज ने साइन कर दिए कि हाँ भाई ये गुड्स ओके हैं एक्सपोर्ट करने के लिए, अलाउड फॉर शिपमेंट। ये देखिए ये होता है प्रैक्टिकली, देखिए इस तरह से। तो ये चीज अभी आपकी लोड हो गई। उसके बाद थर्ड जो शिपिंग बिल था, थर्ड जो ट्रिप्लीकेट है, जो थर्ड कॉपी है, देखिए बाकी सब सेम है, थर्ड पे क्या आ गया एडिशनल आपका, आपकी थर्ड के ऊपर आपकी ईजीएम डिटेल्स वगैरह आ गई, एक्सपोर्ट प्रमोशन कॉपी है ये, इसके ऊपर कब सेल्ड हुआ, क्या चीज डिटेल है, ईजीएम नंबर वगैरह जो भी है वो सारी डिटेल्स इस थर्ड कॉपी के अंदर आ गई आपके अंदर, ठीक है। तो ये चीज आपके लिए समझने के लिए कि इस तरह से ये चीज प्रोसेस होती है, इस तरह से ये काम होता है एक्सपोर्ट के अंदर। तो फर्दर अगर आपको खुद को चेक भी करना है तो मैं आपको कुछ बता भी देता हूँ कि जैसे आप गूगल पे जाएंगे फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कई बार आपके सीएस ना परेशान करते हैं, आप अपने सीएचए को या सीएस को बोलो कि मेरे को ईजीएम नंबर चाहिए इमीडिएटली, तो वो कहते हैं अभी टाइम नहीं है ये वो। मैं आपको बताता हूँ कि आप कैसे चीज देख सकते हो। आप देखो आप आइस गेट की वेबसाइट पे जाओ, आप आइस गेट की वेबसाइट पे जाओ, वहां पे जब आप जाओगे तो ये देखिए ये वैसे मैं नोटिफिकेशन पढ़ा देता हूँ कि एक्सपोर्टर्स आर गेटिंग आरओडीपी अमाउंट इंडिकेटेड इन देयर शिपिंग बिल्स, दिस इज ओनली नोशनल एंड कैलकुलेटेड डमी रेट। देखिए आरओडीपी का जो अमाउंट है वो कहते हैं शिपिंग बिल पे मेंशन कर रहे हैं एक्सपोर्ट वाले, ये एक नोशनल डमी अमाउंट है क्योंकि फाइनल रेट अभी नोटिफाई नहीं किया, जैसे कि मैंने बताया था आपको कि फाइनल रेट 10-12 दिन में नोटिफाई हो जाएंगे। तो देखिए ये आइस गेट की वेबसाइट पे आप गए, यहाँ पे गए आप पब्लिक इंक्वायरीज में, यहाँ पे गए आप पब्लिक इंक्वायरीज में, यहाँ पे चेक करना है आपको अपना डॉक्यूमेंट स्टेटस, यहाँ पे और भी आपके पास ऑप्शंस है अपना काम करने के लिए, डॉक्यूमेंट स्टेटस आपको चेक करना है। डॉक्यूमेंट स्टेटस के अंदर देखिए ये बिल ऑफ एंट्री है, ये भी मैं आपको बताऊंगा आगे चल के कि बिल ऑफ एंट्री क्या होती है। ये अभी हम एक्सपोर्ट प्रोसीजर की बात कर रहे हैं, बिल ऑफ एंट्री इम्पोर्ट प्रोसीजर के अंदर आता है। आप बिल ऑफ एंट्री को ये समझिए कि शिपिंग बिल और बिल ऑफ एंट्री भाई बहन है। शिपिंग जब एक्सपोर्ट करते हैं तो एप्लीकेशन लगाते हैं उसको बोलते हैं शिपिंग बिल, जब इंपोर्ट करते हैं तो जो एप्लीकेशन लगाते हैं उसको बोलते हैं बिल ऑफ एंट्री, समझ गए। और ये चीज आप देख रहे हैं यहाँ पे आईजीएम लिखा हुआ है, ये होता है इंपोर्ट जनरल मैनिफेस्ट। अब एक्सपोर्ट जनरल मैनिफेस्ट और इंपोर्ट जनरल मैनिफेस्ट ये भी दोनों भाई बहन है, जब माल देश से बाहर चला जाता है तो एक्सपोर्ट जनरल मैनिफेस्ट फाइल होता है कि हम ये क्या क्या लेके गए हैं, जब देश के अंदर आ रहा होता है माल तो इंपोर्ट जनरल मैनिफेस्ट फाइल होता है कि क्या क्या लेके आ रहे हैं अंदर, इस तरह से। तो यहाँ पे आप शिपिंग बिल के अंदर जाइए, शिपिंग बिल के अंदर आप लोकेशन को सिलेक्ट कीजिए कि कौन सी लोकेशन में आपने जो है अपना इंपोर्ट किया, जैसे यहाँ पे आईसीडी आगरा का आईसीडी आ रहा है, अगर आपने आईसीडी पे भेजा, अगर आपने कोई पोर्ट पे भेजा तो पोर्ट की डिटेल है, जहां से भी आपने एक्सपोर्ट किया है। यहाँ पे देखिए मेरे पास शिपिंग बिल तो है नहीं, जस्ट समझाने के लिए आपको शिपिंग बिल नंबर डालिए, शिपिंग बिल की जो यूनिक डेट है, शिपिंग बिल की डेट, लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर की डेट नहीं, शिपिंग बिल की डेट जो फाइलिंग डेट है शिपिंग बिल के ऊपर आ रही है वो डेट डालिए, इमेज ये कैप्चर रही है अपना, उसके बाद सबमिट कीजिए। उसके बाद जब आप सबमिट करेंगे उसके बाद आपके पास एक फर्दर ऐसी तरह से ऑप्शन आ जाएंगी, उसके अंदर आप ईजीएम को सिलेक्ट कीजिए, तो जब आप उसको ओपन करेंगे तो आपके पास ईजीएम नंबर और ईजीएम डिटेल आ जाएगी, ईजीएम नंबर और ईजीएम डिटेल आ जाएगी। जब ये डिटेल रिफ्लेक्ट होनी शुरू हो गई तो समझ लीजिए आपका माल इंडिया क्रॉस कर चुका है। तो ये डिटेल आपकी आनी आनी बहुत ज्यादा जरूरी है, इसके ऊपर आपको फॉलोअप रखना जरूरी होता है कि मेरा ईजीएम नंबर और ईजीएम डेट सिस्टम के ऊपर अपडेट हो जाए। कई बार डिस्क्रिपेंसी भी आ जाती है इस चीज के अंदर, उनको कई बार फाइलिंग में गलती हो जाती है या कुछ एरर टेक्निकल क्लरिकल एरर रह जाते हैं, तो वहां पे ऑब्जेक्शन लग जाता है। तो इस चीज के बारे में लगातार आपको ट्रैकिंग रखनी पड़ती है कि मेरा ईजीएम नंबर जो है वो टाइम टू टाइम उसके अंदर अपडेट
हो जाए और सही से अपडेट वो हो जाए। तो इस तरह से प्रैक्टिकल प्रोसेस रहता है इस चीज का। तो एक्सपोर्ट का जो प्रोसेस है, एक्सपोर्ट का प्रोसेस है वो इसी तरह से रहता है मोटा मोटा, जो आपके समझने के लिए है कि फैक्ट्री से माल निकला, पैकिंग हुई, पहले पैकिंग हुई, मैन्युफैक्चर हुआ, शिपिंग बिल फाइल कर दिया सीएचए को, आपने बताया उसने शिपिंग बिल फाइल कर दिया, ये बन गए, उसके बाद गुड्स पहुंच गए, ये वाले प्रोसेस सारे कंप्लीट हुए, लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर हो गया, माल शिप पे लोड हो गया, आपको बिल ऑफ लेडिंग इशू हो गया, बाहर चला गया, एक्सपोर्ट जनरल मैनिफेस्ट इशू हो गया, वो सिस्टम में सारा अपडेट हो गया। तो इस तरह से ये सारा साइकिल शिप अपना एक्सपोर्ट बिजनेस के अंदर रन होता है। तो फर्दर इसके अंदर भी और भी चीजें अभी डिस्कस करने वाली हैं, जैसे एफओबी वैल्यू क्या होती है, सीआईएफ वैल्यू क्या होती है, जिनको हम इनको टर्म्स बोलते हैं, इनको टर्म्स बोलते हैं, ये 11 तरह की टर्म्स होती हैं, इनके बारे में भी आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। फर्दर जो आपने माल बाहर भेज दिया, जो उसकी एक्सपोर्ट पेमेंट्स आनी है, उसके बारे में हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। फर्दर यहाँ पे जब आपका माल लोड होने के बाद जब आपका माल चला गया, तो क्या क्या की एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन होती हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन होती हैं, क्या कौन कौन से डॉक्यूमेंटेशन बनती हैं एक्सपोर्ट के अंदर, ये सारी चीजें भी हम नेक्स्ट लेक्चर में अपने आने वाले में डिस्कस करेंगे। तो आप इस चीज के साथ जरूर बने रहिए, नेक्स्ट लेक्चर में मोस्ट प्रोबेबली संडे को ही रिलीज करूंगा, ताकि आपका ये टॉपिक जल्दी से जल्दी कवर हो जाए और हम अपना जो बेसिक टॉपिक था वर्किंग कैपिटल असेसमेंट का, जो हम क्रेडिट मैनेजर बनना चाहते हैं, उसको जो सीखना चाहते हैं वर्किंग कैपिटल असेसमेंट को, उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट तरह के जो प्रोडक्ट्स इन्वॉल्व है, ताकि हम जल्दी से जल्दी शुरू कर सके। तो आई होप इसको लेक्चर को आपको पसंद आया होगा, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।